गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा द्वारा बनाए गए मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 के पार सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है, जिससे विपक्षी घबराए हुए हैं और सरकार के खिलाफ उल जलूल बातें कर रहे हैं। ऐसे 5 वर्ष पूर्व मोदी जी के मार्गदर्शन में जब से योगी जी ने सरकार संभाली, उससे पहले का क्या दृश्य था, उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, क्या चर्चा थी, किस लबो लहजे में उत्तर प्रदेश का जिक्र होता था, उल्लेख होता था, कहीं भी देश में जब भी कहीं इसका जिक्र आता, इसका उल्लेख आता। और उस समय की जो सरकार थी, समाजवादी सरकार, उसको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां होती थी, बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5 साल से पहले के समाचार पत्र देखें तो तब भी आपको वो भिन्न भिन्न उल्लेख और भिन्न भिन्न टिप्पणियों का संदर्भ उपलब्ध हो जाएगा। कहीं कहा जाता था ये माफिया सरकार है, कहीं कहा जाता था ये गुंडा सरकार है, कहीं कहा जाता था ये अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, कहीं कहा जाता था तुष्टीकरण की सरकार, कभी कहा जाता था भ्रष्टाचार की सरकार, कभी कहा जाता था कि रीति रिवाज संस्कृति तहजीब को तहस नहस करने वाली सरकार, और सबसे अधिक शर्मनाक बात कि ये भी कहा जाता था कि बहु बेटियों की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक बार जब एक दुष्कर्म हुआ एक महिला के साथ, तो इन्हीं के पार्टी के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने ये टिप्पणी की थी कि लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अपोलोजिटिक जस्टिफिकेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बजाय इसके कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाए या उस तरह का बंदोबस्त किया जाए, ये उसके विपरीत ये कहने का प्रयास किया जा रहा था कि यदि कोई दुष्कर्म होता है या महिलाओं के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसको नजरअंदाज किया जाए। उसके विपरीत आपने देखा, और आज टीवी चैनल भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वेज, इंडिपेंडेंट इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं छात्रों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से, हर वर्ग के लोग ये कहते हैं कि जितना सुरक्षित इन 5 वर्षों में महिलाएं कर रही हैं, इतना कभी देखने को नहीं।